सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बिहार की, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव होगा। तो आयोग ने एकदम साफ स्पष्ट कह दिया है कि परीक्षा की तिथि में अब कोई बदलाव होने वाला नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक बात और सामने आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं सर परीक्षा के फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ेगी। तो अभी तक मान लीजिए सर्वर तो भले नहीं चल रहा है, लेकिन सर्वर पर लोड ज़्यादा पड़ गया, इस वजह से लग रहा है कि आपको फॉर्म भरने में असुविधा हो रही है। लेकिन एक बात एकदम पक्की है कि आयोग ने भी कह दिया कि वो डेट फॉर्म की तिथि भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक आशंका ये उम्मीद लगाई जा रही है हो सकता है कि फॉर्म के आवेदन करने की जो तिथि उसमें एक बदलाव मिल जाए। और एक बड़ी बात यह है कि अब फॉर्म इतने कम भरे जा रहे हैं कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे उतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी लोग 82 और 90 के जो सीटेट के जाल में है ना उलझे पड़े हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आप सीटेट पास हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन जरूर करिएगा। बाकी के मार्क्स के लेकर आप अजय फ्यूचर में सोच सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने का अगर मौका एक बार आपके यहाँ से चला गया कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या पढ़े, कहाँ से तैयारी करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे और आपके मन में आ रहा। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है SCERT SCERT और साथ ही साथ आपको NCERT पर पूरा फोकस करना होगा। और इसके लिए ई-लर्निंग भी दुर्गेश के नोट्स और बिहार शिक्षक भर्ती की किताबें भी आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आप एक एक तथ्यों पर फोकस करते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर लिया नहीं, या क्या दिक्कत आ रही है। परीक्षा की तिथि नहीं बढ़नी एकदम आयोग ने साफ साफ कह दिया। देखिए कि शिक्षक भर्ती में 170,000 पद के लिए आवेदन 5 दिन अभी और बाकी है और सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन का लोड जो बढ़ा तो सर्वर धीरे धीरे डाउन होने लगा। BPSC अध्यक्ष जी का कहना है कि अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या इसलिए परेशानी बढ़ रही है। और अतुल प्रसाद जी कहा कि शुरू में कम आवेदन आ रहे थे, लेकिन अब आवेदन बहुत बढ़ा इसलिए सर्वर पर लोड पड़ रहा है। अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सर्वर डाउन होने से समय का नुकसान होने की स्थिति में जितना सर्वर डाउन रहा उतना ही समय ही कम से करेंगे। निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा लीजिए, मतलब अगर हो सकता है अगर परीक्षा की तिथि भी बढ़ती है तो, लेकिन जो परीक्षा कराने की जो तिथि है, फॉर्म भरने की तिथि बेशक बढ़ा दी जाए, लेकिन जो परीक्षा की तिथि है वो निश्चित रहेगी, वही रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। मतलब ठीक है, जितना सर्वर डाउन रहा उतना कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर ये अलग रहा कि हाँ शायद परीक्षा तिथि फॉर्म भरने की तिथि बढ़ जाएगी, लेकिन इस भरोसे मत रहेगा कि फॉर्म ही ना भरे इसका इंतजार करें। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और फॉर्म को आवेदन करने की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ कर लीजिए। आइए देखते अभी तक कितने फॉर्म पड़े हैं, इस पर भी एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सभी नोट्स घर बैठे प्राप्त करने के लिए, तो आज इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे। और एक नंबर और है, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, 7398883002। ये नोट संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर PDF है नोट्स और हार्ड कॉपी घर तक मिल जाएगी। और मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेज प्रतिदिन आपके लिए चलती है जो CERT NCERT पैटर्न पर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24 से 27 अगस्त तक परीक्षा होनी, तो यहाँ आयोग ने एकदम साफ स्पष्ट कह दिया है कि 24-25 अगस्त में अगस्त को दो पाली परीक्षा होगी। 1 से लेकर 5 तक 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। संबंधित विषय के अंक के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। जो संबंधित विषय है, मतलब जो भाषा है उसका जो क्वालिफाई, उसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, तो दूसरा पेपर होगा उसी के अंक के आधार पर आपकी अंतिम मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे सीटेट अंक का कोई लोचा नहीं, यहाँ पर कोई भी उसका समीकरण नहीं बनने वाला है। अगर बात करें 12 जुलाई अंतिम तिथि, आवेदकों में से अब तक सिर्फ 5,000 निजी शिक्षक आए। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 3 जुलाई तक आवेदकों की संख्या जो थी 108,000 तक है, रजिस्ट्रेशन है, आवेदन जो है यहाँ पर दिया। लेकिन 7 जुलाई तक अगर देखा जाए तो 2.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, 2.5 लाख लोगों ने पेमेंट कर दिया। मतलब 1,72,000 पद के सापेक्ष देखा जाए एक सेट पर अभी 2 भी दावेदार नहीं आ पाए। मतलब अगर आपने फॉर्म भरी तो आपकी नौकरी पक्की है मान के चलिए, इसलिए अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए, जान फूंक दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि राज्य की सबसे बड़ी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 दिन पहले संख्या 1,32,000 थी, लेकिन आज ये संख्या 2.5 लाख पहुंच गई। बहुत ज्यादा अगर 5 दिन की बात करें तो 50,000 और पहुंच सकता है, या दोगुना फॉर्म भरा जाएगा, मैंने एक सीट पर 2 दावेदार है। मतलब आपकी सिलेक्शन की जो कम परसेंटेज वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही, और आपकी तैयारी अच्छी, आपने लर्निंग भी दुर्गेश के नोट्स पढ़े जो सबसे बेस्ट नोट्स है पूरे UP में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वैसे अगर आप में इधर आंदोलन पर भी शिक्षा खड़ी है कि उनको भी जो 11 जुलाई राजधानी पहुँच रहे हैं, प्रशासन भी सतर्क के तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोग का ये मानना है कि अदर स्टेट के लोग क्यों आ रहे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ, जो 50% सीटों पर आरक्षण क्यों दे, उनके लिए 10% कोटा रखा जाए, ऐसे बहुत सारी मांगे हैं। पुराने जो शिक्षक वो भी चाह रहे हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके लेकर तमाम तरह की कवायद चल रही। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करिए, प्रतिदिन रात 9 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए NCERT की सीरीज चल रही है, जिसे आप अपनी तैयारी के साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ेगा, जितने भी लोग चाहते हैं कि बिहार में सरकारी शिक्षक बने, आज ही टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहे। ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको लाइव मिल रहा है, और इसे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एक और चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस पर भी डेली क्लासेस चल रही हैं, सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से आप सभी PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों तो पहुंचाते रहेगा मेरी निःशुल्क क्लासेस, जब भी मुझे समय मिलता है आपके लिए लेकर आता रहता हूं, आगे भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, तो प्रतिदिन मोबाइल
में अलार्म लगा लीजिए, रात के 9 बजे, शाम के 7 बजे, सुबह के 7 बजे, सुबह की 11 बजे और दोपहर के 1 बजे सभी क्लासेज हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर 2 यूट्यूब चैनलों पर आपको मिलती हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो सेक्शन के साथ। तब तक इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू।